इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर, टी20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। दोस्तों फाइनली जो है टी20 वर्ल्ड कप के लिए हिंदुस्तान की स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। इस चीज का इंतजार था बहुत सारे लोगों का, स्पेशली संजू सैमसन के फैंस का। संजू सैमसन को हिंदुस्तान के दोस्तों स्क्वाड में ले लिया गया है। शर्मा कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल इनके साथ ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जिनके नाम के ऊपर बहस की जा रही थी विराट कोहली को टीम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, विराट कोहली टीम का हिस्सा बन गए हैं। ये जितने भी प्लेयर हैं दोस्तों सभी काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, आईपीएल में तो काफी ज्यादा अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं ये सारे प्लेयर। लेकिन दोस्तों अगर टी20 वर्ल्ड कप में यही फॉर्म रहा इन लोगों का तो भाई ये जो है टी20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। इस साल नंबर वन टी20 का खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का भी नाम है, ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कितने अरसे से बाहर थे क्रिकेट के एक्सीडेंट के बाद से, फाइनली उन्होंने आईपीएल खेली और वो फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर ऋषभ पंत अपनी टीम में जगह बना बातें की जा रही थी विराट कोहली के बारे में, जडेजा के बारे में, हार्दिक पांड्या के बारे में और पाकिस्तान में तो बातें की जा रही थी कि भाई आमर के आने से अब विराट कोहली और रोहित शर्मा डर रहे होंगे और मोहम्मद आमर ने कहा था अब तो कोई रीजन नहीं है हम वर्ल्ड कप ना जीते हैं, मतलब इस तरह की बड़ी बात की थी भाई। वेस्ट इंडीज में स्पिनर ने काम करना है, यूएसए में भी, यूएसए में इंडिया के जितने भी मैच है ना वो सारे इजी मैच है, वो पाकिस्तान को भी पेल देंगे, आयरलैंड को, यूएसए को पेल देंगे। जब आपने वेस्ट इंडीज आना है ना सुपर 8 खेलने, तब भाई आपने मैच पकड़ने हैं सारे। सूर्य कुमार यादव वैसे तो पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक चला नहीं है लेकिन इसका डर लगा रहता है क्योंकि जब चलेगा तो ये बहुत बुरी तरह से पिटाई करेगा, बड़ा खतरनाक किस्म का खिलाड़ी है, बड़ा ये मारेगा, बड़ा कुछ हमारे साथ कर सकता है। वेस्ट इंडीज में आपको स्पिनर अच्छा चाहिए, इसीलिए इंडिया ने संजू सैमसन और उसके बाद अक्षर पटेल को रखा है। जी हम तो अपने सिस्टम पे जाते हैं, सारी बकवास बातें होती हैं, चाहे हम पाकिस्तानी बैठ के करें या हमारे इंडियन क्रिकेट के चलाने वाले करें, ये सारी फजूल बातें होती हैं। जो करंट फॉर्म, करंट टूर्नामेंट, करंट चीज होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंडिया के पास बड़े ज्यादा कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, अब इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं क्योंकि वो तो खेलेंगे, उसके साथ साथ प्लस हार्दिक को रखा है कि अगर कोई ऐसी पिच मिल जाती है जिसके ऊपर थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए कुछ पड़ा हुआ है तो 2-3 ओवर हार्दिक से निकलवा लेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो करेगा ना। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम ने फाइनली टीम का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जिसमें रोहित शर्मा कप्तान होंगे और हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान होंगे। और विराट कोहली के नाम पर चर्चाएं हो रही थी कि विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे, आज उनके मुंह पर तमाचा होगा क्योंकि विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप के इस बार जरूर हिस्सा है और बीसीसीआई ने साफ साफ कह दिया था पहले ही कि विराट कोहली को हम ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। वहीं टी20 वर्ल्ड कप में भारत का कितना दबदबा रहने वाला है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्क्वाड देखकर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम काफी जबरदस्त टीम स्क्वाड अनाउंस किया है। इंडिया ने वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। जी हाँ, इंडिया का स्क्वाड आ चुका हुआ है जो वर्ल्ड कप टी20 वर्ल्ड कप यूएस और वेस्ट इंडीज के अंदर खेला जाएगा। काफी सारी बहस चल रही थी, फाइनली इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड एकदम से आ गया। अभी तक लग रहा था कि कल या परसों तक ले जाएंगे, आज सिर्फ मीटिंग होगी, मीटिंग शुरू हुई है, उसके कुछ ही देर के बाद स्क्वाड लॉन्च कर दिया गया है। क्या टीम है मैं आपको बताता हूं, इंडिया का वर्ल्ड कप का स्क्वाड, रोहित शर्मा कैप्टन है, यशस्वी जायसवाल इनके साथ ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली जिनके नाम के ऊपर बहस की जा रही थी कि विराट कोहली को टीम का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, विराट कोहली टीम का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, विराट कोहली ने अपने बल्ले से सबके मुंह बंद करके रख दिए, विराट कोहली ने अपनी टीम में जगह बना ली है, विराट कोहली फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर इंडियन टीम का पार्ट बने हैं। इसी के साथ साथ दुनिया का नंबर वन टी20 का खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव का भी नाम है, ऋषभ पंत का कमबैक हो रहा है। जी हाँ, ऋषभ पंत जो कितने अरसे से बाहर थे क्रिकेट के एक्सीडेंट के बाद से, फाइनली उन्होंने आईपीएल खेली और वो फर्स्ट चॉइस के तौर के ऊपर ऋषभ पंत अपनी टीम में जगह बना पाए। इसी के साथ साथ संजू सैमसन का भी नाम आया है, संजू सैमसन जो कि इंप्रेस कर रहे हैं वो भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बन चुके हुए। हार्दिक पांड्या का भी नाम आ गया है एज अ वाइस कैप्टन, हार्दिक पांड्या टीम के वाइस कैप्टन होंगे। शिवम दुबे को सिलेक्ट किया गया है, रविंद्र जडेजा भी टीम का पार्ट है, अक्षर पटेल है, कुलदीप यादव है, युजविंदर चहल है, 4 स्पिनर के साथ इंडिया गया क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज के अंदर स्पिनर्स को मदद मिलती होती है, तो स्पिनर के साथ इंडिया ने जाने का फैसला किया है और ये एक अच्छा जैसा कहते हैं ना, इनका जैसा कहते हैं ना सोच है। वेस्ट इंडीज में स्पिनर ने काम करना है, यूएसए में भी, यूएसए में इंडिया के जितने भी मैच है ना वो सारे इजी मैच है, वो पाकिस्तान को भी पेल देंगे, आयरलैंड को, यूएसए को पेल देंगे। जब आपने वेस्ट इंडीज आना है ना सुपर 8 खेलने, तब भाई आपने मैच पकड़ने हैं सारे, तब आपने बजाना घंटा इनका सबका, ठीक है? तो तब आपने जो है वो आपके स्पिनर अच्छे, इंडिया ने 3-3 स्पिनर, इंडिया 3-3 स्पिनर के साथ भी जा सकता है, इंडिया हार्दिक को भी उठा सकता है और जडेजा, कुलदीप और यूजी के साथ जा सकता है, इंडिया हार्दिक को भी उठा सकता है, इंडिया जडेजा, कुलदीप, अक्षर के साथ जा सकता है कि अक्षर और जडेजा प्रॉपर बैटिंग भी देंगे और बॉलिंग भी देंगे, इंडिया इसके साथ भी जा सकता है। इंडिया के पास बड़े ज्यादा कॉम्बिनेशन बन चुके हैं, अब इंडिया ने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं क्योंकि वो तो खेलेंगे, उसके साथ साथ प्लस हार्दिक को रखा है कि अगर कोई ऐसी पिच मिल जाती है जिसके ऊपर थोड़ा सा फास्ट बॉलर के लिए कुछ पड़ा हुआ है तो 2-3 ओवर हार्दिक से निकलवा लेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या बॉलिंग तो करेगा ना, ऑब्वियसली वो बॉलिंग करेगा, हार्दिक पांड्या बॉल कर लेगा,
फिर हार्दिक को बोलेंगे कि वो बैटिंग भी कर लेगा। अगर किसी जगह पे लगा कि यार बैटिंग के लिए नहीं, फिर तो शिवम दुबे को रख लो आप, जहां आपने थोड़ा सा रन तेज करने हैं, बैटिंग विकेट सॉलिड बैटिंग विकेट आपको मिल गया। ये जितने भी प्लेयर हैं दोस्तों सभी काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में है, आईपीएल में तो काफी ज्यादा अच्छा स्कोरिंग कर रहे हैं ये सारे प्लेयर। लेकिन दोस्तों अगर T20 वर्ल्ड कप में यही फॉर्म रहा इन लोगों का, तो भाई ये जो है T20 वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे इस साल। लेकिन एनीवे दोस्तों यहां पर शुभमन गिल को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लोगों के, शुभमन गिल को आखिर स्क्वाड में क्यों नहीं लिया गया या उनको रिजर्व में क्यों रखा है। देखें दोस्तों पिछले साल जो है वनडे में अच्छा स्कोर किया था शुभमन गिल ने, बुरा स्कोर नहीं किया था। लेकिन शुभमन गिल की जो है मसला यह है कि वो कभी फॉर्म में होते हैं कभी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं। अगर वो चल जाते हैं तो हाफ सेंचुरी से लेकर सेंचुरी तक वो जरूर मारते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ मैचों में वो बहुत कम रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो भाई यही मसला हुआ था केएल राहुल के साथ भी, और केएल राहुल को दोस्तों जो है वो रेस्ट दिया गया था। और यहां पर आप देख रहे हैं कि स्क्वाड के अंदर केएल राहुल का भी नाम नहीं है, यहां पर तीन जो है बड़े नाम आ चुके हैं, नए प्लेयर हैं। मेरी नजर से ये टीम काफी ज्यादा अच्छी टीम है, कुछ इसमें जो है शक नहीं है कि बंदा बोल रहे थे कि पिछले साल बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यार थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो है स्क्वाड के अंदर कमियां है। भाई खतरनाक किस्म का स्क्वाड इंडिया का नजर आ रहा है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जो बड़े खतरनाक है। एक खिलाड़ी जिसने आईपीएल में बड़ा इंप्रेस किया वो जगह नहीं बना पाया बैटर्स के अंदर, उसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला चला लेकिन उसका बल्ला सिलेक्टर्स को दरवाजों को बचा के वापस चला गया, दरवाजे खोल नहीं पाया। और दूसरा बॉलर है मयंक यादव जो कि पेस सेंसेशनल था, लेकिन उसके भी जिसको कहते हैं ना इंडिया ने इतना जिसको कहते हैं उसकी हाइप नहीं क्रिएट की, उसको टीम में लेके हैं जो कि अच्छा फैसला है एक तरह से अपने सीनियर के साथ दिया। अगर देखा जाए इस टीम को तो ये जो खिलाड़ी है अगर इनको देखा जाए इनकी आईपीएल के अंदर कोई परफॉर्मेंस सिवाय विराट कोहली की इनकी कोई परफॉर्मेंस खास नहीं है, जसप्रीत बुमराह विराट कोहली के अलावा और युजवेंद्र चहल, बाकी जो जिनकी परफॉर्मेंस खास है वो बैठे हुए हैं। यही तो डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर टीम सिलेक्ट होती है पीएसएल की बेस के ऊपर, जो जिसने परफॉर्मेंस किया वो टीम का हिस्सा बन गया। लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में वही प्लेयर्स रहे जो पहले के थे जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। आईपीएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर होता तो फिर अभिषेक शर्मा का भी नाम आता, ऋतुराज गायकवाड़ का भी नाम आता, मयंक यादव का भी नाम आता, हर्षद पटेल का भी नाम आता। लेकिन नहीं, वो अपनी बेसिक्स के साथ ही रहे हैं। और रोहित शर्मा की जो टीम थी वो आपके सामने नजर आ गई, रोहित शर्मा की जो 11 है बड़ी खतरनाक है। अब इसमें से कौन से वो खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड कप में तबाही मचा सकते हैं, सबसे पहला नाम जो हम पाकिस्तानियों को हमेशा नजर आता है, हम बड़ा खुश हो रहे थे कि विराट कोहली से इस दफा जान छूट जाएगी, विराट कोहली नहीं होगा, बड़े आराम से इंडिया को मैच हरा के आगे जैसे कहते हैं ना सेमीफाइनल के लिए जाएंगे। लेकिन विराट कोहली तो आ गया, अब विराट कोहली को बर्दाश्त करना सबसे बड़ी टेंशन। विराट पता था कि रिंकू सिंह मुश्किल ही आए इफ एंड बर्स में, मैं भी अपने माइंड में इफ एंड बर्स करके बैठा हुआ था अगर रिंकू सिंह की जगह नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी 15वें नंबर पे मैंने रिंकू सिंह को रखा था, क्योंकि मुझे लगता था कि आपने बैकअप स्पिनर कुलदीप का बैकअप आपने यूजी को रख लिया, जडेजा का बैकअप मुझे लगता है बनता नहीं है, लेकिन फिर भी आपने जडेजा का बैकअप जो है वो अक्षर पटेल को रखा है। और इन द एंड आपने मिक्स मिक्स आकर के अच्छा स्क्वाड बनाया, और ये स्क्वाड घंटा बजाएगा मेरा बेटा 9 जून को मेरे बॉब्जी का पाकिस्तान टीम का स्क्वाड तो कोई नहीं आया, लेकिन वो रेडी होने वाला स्क्वाड होगा, मैं आपको इतना भी बता दूं। अरे बॉब्जी का घंटा बजेगा 9 जून को, सबका बजेगा बॉब्जी का बजेगा 9 जून को, ये स्क्वाड बजेगा। अगर मैं आपको प्लेइंग 11 के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो प्लेइंग 11 इस टीम की ये बनती है कि जी रोहित और जयसवाल ओपन करेंगे, तीसरे नंबर पे आएंगे विराट किंग कोहली, चौथे पे आएंगे सूर्यकुमार यादव, पांचवें नंबर पे आ जाएंगे संजू सैमसन या ऋषभ पंत में से। और मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया संजू सैमसन के साथ जाएगी या शायद ऋषभ पंत के साथ भी चली जाए, मुझे ऐसा लगता है कि संजू सैमसन के साथ जाएगी, या ठीक है ऋषभ पंत और संजू सैमसन में से कोई एक खेलेगा पांचवें नंबर पे। पांचवा नंबर ये हो गया, छठे नंबर पे आपका आ जाएंगे जी हार्दिक पांड्या साहब, और सातवें नंबर पे आपके रविंद्र जडेजा, आठवें नंबर पे आपके कुलदीप यादव। ऐसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम स्क्वाड को देखकर हैरान हो गई है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमारे ही ग्रुप में मौजूद है। और जिस तरह से इन पाकिस्तानियों की मतलब भारतीय स्क्वाड देखकर हैरानी हो रही है, उसको देखकर सभी लोग हैरान हो गए हैं कि आखिरकार जो मतलब विराट कोहली के बारे में बातें हो रही थी कि विराट कोहली को ड्रॉप किया जाएगा T20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि विराट कोहली T20 के खिलाड़ी नहीं है। लेकिन जिस तरह से विराट कोहली को स्क्वाड में शामिल किया गया है, BCCI ने बहुत ही पहले एक अनाउंसमेंट किया था कि हम विराट कोहली को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि विराट कोहली T20 के खिलाड़ी मतलब T20 के ही नहीं बल्कि सभी फॉर्मेट के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और आपको बता दें कि BCCI ने स्क्वाड में अनाउंस कर दिया है, और फाइनली जिस तरह से मतलब सभी खिलाड़ी मौजूद हैं और उनका प्रदर्शन इतना जबरदस्त चल रहा है इस IPL में कि आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। जिस तरह से मतलब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है और हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान, और इसमें रिंकू सिंह को 15 स्क्वाड में रखा गया है जबकि टीम 11 में नहीं रखा गया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रिंकू सिंह का मतलब
मतलब टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के 15 स्क्वाड में नाम तो जरूर है लेकिन उन्हें 11 में नहीं शामिल किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इसमें केएल राहुल को भी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में शामिल नहीं किया गया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा भारतीय स्क्वाड देखकर हमें अपनी राय कॉमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।